हाँ हेलो एवरीवन, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अभी अभी पीडिया पे। देखिए, हम जैसे कि आपको पता है एसएससी मेन 16 नवंबर 2019 और पार्ट 5 मॉर्निंग शिफ्ट आज करने लगे, यानी हम करेंगे 61 से 70 तक के हमारे क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है मेरे पास, ए सोल्ड एन आइटम टू बी एट 20% गेन। यानी अगर मैं मानूँ कि ए से मैं बी के पास गया, अगर इसके पास 100 था तो क्या इसके पास 120 होगा? बिल्कुल होगा। बी सोल्ड इट टू सी एट 8% गेन, तो देखो बी से सी के पास जाएंगे 8% गेन, यहाँ पे 20% का गेन है, यहाँ पे 8% का। ट्रू गेन कितने का है? 20%, और 12/98 कितना? 9.6%। क्लियर है? एंड सी सोल्ड टू इट डी, यानी ये कितने हो गया? 129.6, क्या इतना ही हुआ? हाँ जी, ठीक है। अब सी ने क्या किया है, 20% यानी 129.6 इंटू 1/4, तो ये कितना हो मेरे पास? 32.4, ठीक है। सो -32.4%, तो ये कितना हो गया? डी आ गया। चलिए तो ये कितना हो भाई, देखो 30 माइनस कर दो, ये हो गया 97.2%। क्लियर है? 97.2% हो गया। चलिए अब देखिए क्या दिया क्वेश्चन में, इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी। देखो ए का प्रॉफिट कितना है? 20%। बी का प्रॉफिट कितना है? 9.6%। डिफरेंस क्या हो गया? ए माइनस बी इज इक्वल टू 20% -9.6%, यानी कितना हो गया? 10.4%। क्लियर है? सो 10.4% की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 260। और मुझे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? यानी अगर 10.4 की वैल्यू मेरे पास है 260, यानी 104 की वैल्यू मैं कितनी बोल दूँ? 2600 पॉइंट हटा दीजिए। सो ए की वैल्यू कितनी हुई? 2600/104, यानी 13×52 8 200। तो ये कितना आ गया मेरे पास? 25। अगर ए की वैल्यू मेरे पास 25 आ चुकी है तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे चाहिए वैल्यू 97.2 की। तो 97.2 इंटू 25 कितना आएगा मेरा? यानी 97.2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू ऑफ 25, 5 × 2 = 10, 5×5 = 25, ये कितना होगा? 486, यानी 2430। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, रेनू सेव 20% ऑफ हर इनकम इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20% एंड इनकम इंक्रीज बाय 29%, देन सेविंग इंक्रीज बाय। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं बात करता हूँ, मेरे पास सबसे पहले क्या होता है? इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। क्लियर है? सो देखो मैंने माना उसकी इनकम 100 थी, यानी 80 अगर एक्सपेंडिचर हुआ तभी 20 सेविंग्स होगी। ठीक है, ये हो गया इनकम, ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये हो गया सेविंग्स। क्लियर है? इफ आर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, उसने क्या किया? एक्सपेंडिचर को 20% बढ़ा दिया। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, तो यानी कितना? प्लस 16 बढ़ गया, तो ये कितना होगा? 96 हो गया। ठीक है, एंड इनकम इंक्रीज बाय 29%, यानी 29% हो गया, यानी ये कितना हो गया? 129। अब देखो मुझे क्या करना है, मैंने माना एक्स, ठीक है, तो एक्स कितना आ गया मेरे पास? 129 - 96, यानी कितना? 33। यानी आप क्या बोलोगे? ये 33 हो गया। जो वैल्यू 20 थी बेटा कितनी हो चुकी है? 33, यानी 13 का इंक्रीमेंट कितने पे? 20 पे, गुना 100%। 20×50 = 100, 13×5 कितना हो गया? 65% हो गया। देखिए एक तो तरीका ये रहा इसका, देखिए दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं इसका। देखो अगर मैं बोलूँ 100 = 80 + 20, तो ये कितना आ गया? 5 = 4 + 1। देखो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, रेनू सेव 20% इफ द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%। देखो ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, और ये सेविंग्स है। एक्सपेंडिचर 20% हो गया, तो ये कितना हो गया? 80 हो गया, एंड इनकम इंक्रीज बाय 29%, तो इसको 29 से मल्टीप्लाई कर दो, 145 हो गया। तो ये कितना होना चाहिए मेरे पास? तो ये कितना होना चाहिए मेरे पास? 65। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 65
5, और यही मेरा आंसर है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप सीख लें तो। नेक्स्ट पे चल रहा हूँ मैं। चलिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 20,000 एट 15% पर एनम फॉर टू टू बाई थ्री ईयर्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। देखिए, आपको दिया टू टू बाई थ्री ईयर, क्लियर है? देखो, यानी पहले 3 साल का निकालो, 20,000, इसका 15% का मतलब क्या, 15/100, 5 से 15 और 20, तो 3/20 हो गया। तो 20,000 × 3/20, बिल्कुल जी, ये कितना होगा, 3,000 हो गया। तो सेकंड डिग्री भी कितना होगा, 3/20, 1 मिनट में गलत, सॉरी, 3,000, 2,000 नहीं, 3,000, 3,000, ठीक है, ये तो हो गया 3/20। तो ये कितना होगा, 3,000 का 3/20, ये कितना होगा मेरे पास, 150, 450। नेक्स्ट देखिए, इसका 3/20 कितना हुआ, 3,000। अब देखो, थर्ड ईयर की बात करनी है, इस पे लग चुका है, इसका 3/20 कितना होगा, अनदर 450, इस पे भी लगाएंगे भाई, 3/20, 450, इसका भी 3/20, यानी 450 × 3/20, तो ये कितना आएगा मेरे पास, 135/2, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं टू टू बाय थ्री ईयर, इसका मतलब क्या है, 2 ईयर + 2/3 ईयर, क्लियर है? अब 2 ईयर की बात करूंगा तो देखो ये आएगा, तीन हजार प्लस 450, तो ये कितना हो गया, 6,450 प्लस जो भी थर्ड ईयर का उसको 2/3 पार्ट, यानी 3,000 + 450 + 450, इसका 2/3 + 135/2 × 2/3, क्लियर है? देखो ये कितना हो गया, 45 हो गया, तो ये कितना आया, इसको जरा मिटा दें हम, ये कितना होगा, 6,450 प्लस 3,000 × 3,900 × 2/3 प्लस ऑफ, ये कितना आ गया, 45, तो ये कितना होगा, 1,300, यानी 6,450 प्लस 2,600 प्लस 45, ये कितना हो गया, 9,050 प्लस 45, तो ये कितना होगा, 9,045, ठीक है। ये तो ट्रेडिशनल वे है जिससे हम करते हैं, हम एक और मेथड इसमें अपना सकते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट के, होपफुली नोट कर ही लिया होगा। देखो, मुझे क्या दिया, 15%, अगर मैं 15% की बात करूं तो 15% का मतलब कितना होता है, 3/20, यानी क्या हो गया, 20 से लेके 23 हो गया, और 20 से लेके क्या हो गया, 23 हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोला, 2 2/3 ईयर, यानी 15 × 2/3, यानी 10% हो गया, यानी 10 से वैल्यू क्या होगी, 11 होगी। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसके मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना होगा, 4,000, और ये कितना हो गया, 5,819। ये क्या दिया हुआ क्वेश्चन मेरे को, 20,000 दिया हुआ × 5 times, तो ये कितना हो गया, 1,819 × 5, ये कितना हो गया, 9,095, 1,819, तो ये मेरा बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलो, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंड्रिकल वुडन ब्लॉक ऑफ हाइट 18 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7.5 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम रेडियस इज टेकन आउट। ओके, देन द टोटल सरफेस एरिया, देखो एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा है,
चलो जी, हाइट की दोगे 18 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है? सेवन पॉइंट पाँच सेंटीमीटर। क्लियर है? देखो कोनिकल कैविटी निकलेगी तो ऐसे निकलेगी, यानी आपके पास क्या आएगा, एक तो टोटल सरफेस एरिया टीएस ऑफ सिलेंडर। देखो जब कोनिकल कैविटी निकल गई ये वाली, तो मेरे पास क्या बचा, अंदर एक कोन का सरफेस हो रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। ठीक है जी, तो चलो देखते हैं ये क्या होगा, 2πRH, ठीक है, प्लस कहीं पाई आर स्केयर लिखूंगा इसे मैं, पाई आर स्केयर प्लस पाई आर एल। ठीक है, तो पाई और आर, सॉरी ये आर ही ले लो, पाई आर ले लिया कॉमन, 2H प्लस आर प्लस एल। अब देखिए जरा एल निकालना है मुझे, एल निकालने का भी इसमें तरीका क्या करेंगे, देखो ये ऊपर वाला तो होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा, ये मुझे एल चाहिए ना, देखिए भाई ये मुझे दिया 7.5, यानी मुझे ये निकालना है। ठीक है, यानी अगर मैं इसकी बात करूं, ये कितना 7.5, ये कितना 18, यानी ये कितना 180 और ये कितना 75, अगर इसको लगाऊं मैं तो क्या इसकी कटिंग की जा सकती है, 36 और ये 15, तो 3 × 5 = 15 = 12, तो इसका मतलब ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास 5 × 2.5, तो ये कितना 12 × 6 × 2.5, एक मिनट देख लें इसको ज़रा दोबारा, तो 5 × 12 = 13 बन तो रहा है, अब रिलेशनशिप देखना पड़ेगा क्या बन रहा है मेरे पास, पाँच 7.5 / 5 1.5 × 1.5 है क्या ये, बिल्कुल सही, 12 × 1/5 होगा, तो ये कितना होगा मेरे पास 13 × 1/5, तो ये कितना होगा 19.5 हो गया। देखिए जरा अब पाई आर की अगर मैं बात करूं तो मुझे सारा का सारा पाई में दिए, पाई रेडियस कितना है 75/2, 2H यानी 2 × 18 प्लस ऑफ आर कितना दिया है 7.5 और एल कितना है 19.5, तो ये कितना हो गया मेरे पास, छत्तीस प्लस 19 = 7 = 26 = 27, सो पाई इंटू 75/2 इंटू 3 × 5 और 7 × 13 = 63, सो ये मेरे पास कितना आएगा, एक मिनट दो बार पाई लग गया, सो लेट मी चेक इट, ये कितना आएगा मेरे पास, यहाँ कुछ गलती आई है, एच कितना दिया मुझे 18, आर कितना है 75/10 आएगा, यहाँ पे गलती है, तो ये 15/2 आएगा, यहाँ पे गलती है, ये 15/2 आएगा, तो ये कितना आएगा आपके पास 472.5 पाई, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ टू कॉन्स इज 5:6 एंड देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशो 8:9, द रेशो ऑफ देयर हाइट इज, देखिए देखो आपको रेशो किसकी दी, रेडियस की, कितनी दी R1:R2, कितनी दी है 5:6, और आपको क्या दी है वॉल्यूम्स की रेशो 8:9, ये दी है। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे देखो इसका मतलब अगर दो सिलेंडर्स हैं, मुझे क्या दिया,
फाइव है इसका, 5x ले लो, या 5 5 ही रहने दो। सिक्स ठीक है, देखो वॉल्यूम इसका मतलब पाई आर वन स्केयर एच वन अपॉन पाई आर टू स्केयर एच टू इज इक्वल टू कितना दिए, 8/9 दिए। देखो पाई से कट गया पाई, अब आर वन कितना दिया मुझे, 5 का स्केयर इंटू एच वन अपॉन 6 का स्केयर इंटू एच टू इज इक्वल टू 8/9। सो ये कितना आ गया, 25 एच वन अपॉन 36 एच टू इज इक्वल टू 8/9। सो 9 चुके 36, एच वन बाय एच टू इज इक्वल टू 32/25। तो आंसर इज 32:25 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ मैं। लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच वन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1024 गिव्स अ परफेक्ट स्केयर नंबर, व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय विच एक्स शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्केयर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो इसमें आपने कुछ नहीं करना। अगर मैं बात करूँ 10424 क्लियर है, सो अगर मैं बात करूँगा इसकी, सो आप क्या बोलेंगे, एक एकम एक जीरो जीरो फोर, इसको दो लगाओ ठीक है, चलिए लेट एक्स बी अ लीस्ट नंबर विच वेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10424 गिव्स अ परफेक्ट स्केयर नंबर, व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय विच एक्स शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्केयर। देखिए 10424 है, चलिए 1, देखो इसको मैं जब भी करूँगा मैं ऐसे करूँगा 1 1, एक मिनट इसको मिटा दे जरा यहाँ से ठीक है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया अपने हमेशा ऐसे ही करना, ये कितना आ गया 1 आ गया, इसका मतलब इसको मैं क्या करूँगा 1 आ गया। अब ध्यान से देखो ये तो कट गया, तो जीरो ऊपर से कैरी करूंगा, ऊपर से मैं क्या लिखूंगा 2। अब 4 लिया तो 0 लेना पड़ेगा, अब देखो यहाँ पे भी 0 लिखना पड़ेगा 2, तो ये कितना आ गया 24 ठीक है। सो अब क्या करो, 202 × 2 कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 404, तो ये कितना बच गया 20। अब देखो 20 बच गया, अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई यानी 20 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल 5 से, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए A certain sum is divided between A, B, C and D such that the ratio of share of A ratio B 1:3, that of B ratio C is 2:5, C ratio D is 2:3. If the difference between share of A ratio C, तो सबसे पहले रेशो निकाल लेते हैं भाई इसकी। देखो A ratio B कितना दिया मेरे को 1:3, बी रेशो सी इज 2:5, सी रेशो डी इज 2:3, 3 3 5 2 2 और 2, तो ये कितना हो गया 4 हो गया, 3 × 6 × 12 हो गया, 5 3 15 × 30 हो गया, 5 3 15 3 45 हो गया, ये हो गया अपने पास ये ठीक है। सो क्या मेरे पास रेशो ये 4 12 30 45 है। अब देखो मुझे क्या दे, ए और सी का डिफरेंस, यानी ए और सी का डिफरेंस मतलब 30 − 4 = 26, 26 की वैल्यू कितनी दे 3510। सो क्या कटेगा, देखो 13 से काट के देखो, अगर कटेगा तो 13 × 26 13 × 26 13 7 91, तो ए की वैल्यू कितनी आई बेटा 135। अगर एक की वैल्यू 135 आ गई, आपको क्या पूछना है, जो शेयर ऑफ डी, सो डी कितना है 45 × 135, तो वो कितना आएगा मेरे पास 6075, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो मुझे क्या दिया है, मुझे दिया है भाई 1 upon x + 1 upon y + 2 upon z + 1 upon 4 = 29/79। इसे रिवर्स कर दीजिए, जस्ट रिवर्स, तो मेरे पास क्या आ गया x + 1 upon y + 2 upon
जेड प्लस वन बाई फोर इज इक्वल टू 79/29, तो ये कितना हुआ, इसको मैं लिखूँगा 258 प्लस 21/32। तो यहाँ से बाई कंपेयरिंग एक्स कितना आ गया मेरे पास, 2 आ गया। चलिए सो अगेन मेरे पास क्या बचा, 1 अपॉन वाई प्लस 2 अपॉन जेड प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/29। अगेन इसको रिवर्स कर दीजिए जरा, तो कितना है वाई प्लस 2 अपॉन जेड प्लस 1/4 इज इक्वल टू 29/21। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस 8/21। तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की वैल्यू 1 आ गई। तो 2 अपॉन जेड प्लस 1/4 इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, 8/21। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब 8/21 आ गया। सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब जेड प्लस 1/4 इज इक्वल टू 21/8/2। तो एक 4 से कट गया, तो एक इससे लिखोगे, 5 प्लस 1/4 आ गया। तो z कितना आ गया अपने पास, 5, अगर z 5 आ गया तो 2 × 2 + 3 × 1 − 5, 4 + 3 − 5, तो ये कितना हो, 7 − 5, विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी 2। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। इन अ सर्कल ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल, चलिए कोड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पी, एंगल ए ओ डी बराबर 32 डिग्री, सी ओ बी 26, देन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए पी डी। चलिए ए बी सी एंड डी, क्लियर है, सर्कल आपको दिया है सेंटर ओ, इंटरसेक्टेड पॉइंट पी, आपको क्या दिया है एओडी, एओडी कितना दिया है 32 डिग्री। अब सीओबी कितना है, छब्बीस डिग्री। देन द मेजरमेंट ऑफ एंगल एपीडी, देखो अब ध्यान से सुनिएगा, देखो इस मेरे पास हैं ये दो कोड्स, क्लियर है, अगर मैं बात करूंगा इस कोड की एओडी, सो एबीडी कितना आएगा मेरे पास, 16 डिग्री आएगा, एंगल मेड बाय सेम कोड, इफ एंगल एओडी बराबर कितना है 32 डिग्री, देन एंगल ए बी डी बराबर कितना है 16 डिग्री होगा, बिकॉज एंगल मेड बाय सेम कोण, हाफ होगा। ठीक है, इसी तरह अगर ये 26 है तो ये कितना होगा, 13 होगा। तो डेफिनेटली इन ट्रायंगल डी पी बी, एंगल डी प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी कितना होगा मेरे पास, 180 डिग्री। सो एंगल पी कितना आएगा मेरे पास, 180 डिग्री माइनस ऑफ 29 डिग्री। ठीक है, सो ये कितना आएगा मेरे पास, वैसे तो 29 मेरे पास आंसर आ चुका है, ये कितना आएगा मेरे पास 151 डिग्री। क्लियर है, सो अगर ये 151 है तो डेफिनेटली 29 डिग्री होगा, ये एक्सीलरेटेड एंगल, तो आंसर कितना आ गया 26 एंड 30 के बीच में। क्लियर, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, देखिए इफ द रेगुलर पॉलीगन है 16 साइड्स, यानी आपको एन कितना दिया होगा, देन व्हाट इज द मेजरमेंट इन डिग्री ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। देखो आपके पास क्या होता है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, क्या 180 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा आपका, 360 / n, यानी 360/16। ठीक है, सो ये कितना होगा आपके पास, तो ये काटो जरा, 4 × 4 = 45/2, तो ये कितना आ गया 22.5 डिग्री। तो इंटीरियर क्या होगा मेरे पास, 180 डिग्री माइनस ऑफ 22.5 डिग्री, फिर 157.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्लियर है,
चलिए, थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, चैनल को मत भूलिए। थैंक यू।